Hi, I'm Dr. A.K. Gupta, founder director of Dr. A.K.G. Ovians Medical Center. आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में. हाई ब्लड प्रेशर एक इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें कि आज की डेट में बहुत से लोग हमें उससे प्रभावित और पीड़ित हैं, और काफ़ी हद तक लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता. जब वो पता चलता है, जब कोई अपनी कोई पॉलिसी के लिए टेस्ट कराने जाते हैं या कुछ होता है, तब उनका चेकअप होता है, तब ब्लड प्रेशर का पता चलता है. उनको ब्लड प्रेशर भी है, ऐसे ही साथ में शुगर की भी हमें प्रॉब्लम पता चलती है. हाई ब्लड प्रेशर में नॉर्मली हमें लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है तो वो सोचते होंगे कि उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है. ये एक मान्यता पूर्ण रूप से सही नहीं है. जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते उनको भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और जो गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं उनको ज़रूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर हाई हो ही. हाई ब्लड प्रेशर को हम कब मानते हैं कि जब उसकी एक पेशेंट की रीडिंग जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको हम 120/80 मर्की की उससे लेवल को मानते हैं. प्लस माइनस 10 को भी नॉर्मल माना जाता है. परंतु अगर कोई व्यक्ति जिसकी रीडिंग कंटिन्यूसली 3 रीडिंग्स में 140/90 यानी कि जो सिस्टोलिक है 140 और जो डायस्टोलिक है 90 से ऊपर आता है, तो उसको हम उसकी श्रेणी में रखते हैं कि उसको ब्लड प्रेशर है. परंतु हाई ब्लड प्रेशर की खाली रेंज में कि मान के चलना 140/90 या 130/90 को मानना पर्याप्त नहीं है. उसके साथ वो देखा जाता है कि उसके पे कुछ लक्षण हैं या नहीं. हाई ब्लड प्रेशर के साथ में उसका आमतौर पर लक्षणों में जो पाए जाते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होता, गिडीनेस आना या चक्कर आना, बेचैनी, घबराहट, नौजिया, वॉमिटिंग, और चेस्ट में हैवीनेस और सांस फूलना, जैसे कि आप थोड़ा सा भी परिश्रम करते हैं और सांस फूलना शुरू हो जाए, और उसमें सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा हाफ जाते हैं, ब्रेथलेस हो जाती है. सिर में दर्द होना या भारीपन रहना या चेस्ट में भारीपन और पेन होना, ये इसके आम लक्षण हैं. हाई ब्लड प्रेशर कहने को तो एक बीमारी है, परंतु हाई ब्लड प्रेशर इन जनरल अपने आप में बीमारी ना होकर एक लक्षण है कि जिसकी अंडरलाइन कोई और बीमारी हो सकती है, और उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, जिसमें जैसे कार्डिक हार्ट की प्रॉब्लम होना, ब्लड का थिक होना, लाइफस्टाइल फॉल्टी होना, या इनहेरिटेंस में कई बार होता है कि यंग एज में भी जो मरीज हैं उनको ब्लड प्रेशर पाया जाता है. वो तब देखा जाता है कि जब उनके पेरेंट्स में दोनों तरफ से माता पिता की तरफ से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम पॉजिशन ज़्यादा पॉसिबल हो जाती है, प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है. यूँ तो जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में खान पान, रहन सहन सब कुछ आता है, और ये एक इसका एक मुख्य कारण बन जाता है कि अगर आपकी फॉल्टी डाइट है, आप इंडल्ज होते हैं अल्कोहल के ऊपर, स्मोकिंग में, या बहुत ज़्यादा नाइट वॉचिंग रहती है, लेट सोना, नींद पूरी नहीं करना, या कुछ दवाओं की वजह से भी ब्लड प्रेशर का पाया जाता है कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है. किडनी में प्रॉब्लम होना, किडनी फेलियर होना या किडनी में स्टोन होना, वो भी एक इसको हाई ब्लड प्रेशर को पैदा कर सकता है. ऐसे ही कुछ हार्मोनल फंक्शन है डिसफंक्शन, जैसे डायबिटीज़ में या थायराइड में, ये एसोसिएटेड हो सकता है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में तो खैर है ही, ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन वो माना जाता है. अब हम ये देखते हैं कि उसको निपटा कैसे जाए. जिन मरीजों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 140/150/170 से लेकर 200/250/280 तक भी सिस्टोलिक में, और नीचे वाली 100/120/150 तक भी जा सकती है, इसको हम एक मॉडरेट हाइपरटेंशन मानते हैं, और एक सीवियर हाइपरटेंशन, या उसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी मान सकते हैं. मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन वो होता है जहाँ की उसका सिस्टोलिक बीपी 250 और डायस्टोलिक 150 से नीचे आता ही नहीं है. ये
कुछ कंडीशन में पाया जाता है कि जब ये आई मीन आपकी पूरी फैमिली के अंदर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है और आपका यूरिक एसिड डायथेसिस है तब ये प्रॉब्लम रहती है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ केस कि जहाँ पे एक मम्मी ने एक मरीज था जिनको 250 बाय 150 था और वो अपने आप को भला चंगा मानता था क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो टेस्ट कराते थे तब उनका ब्लड प्रेशर आई मीन बढ़ा हुआ पाया जाता था, परंतु वो कहते मेरे को तकलीफ नहीं है तो मैं किस बात की दवाई खाऊँ। ये ऐसे टाइम पे उनका ये निगलेक्ट करना उनको बाद में बहुत महंगा पड़ा क्योंकि उनका असर सीधा किडनी पे पड़ा और उनकी किडनी फेल हो गई और बाद में दोनों किडनियों को ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी उनको बहुत देर तक आई मीन उससे फ़ायदा नहीं हुआ। सेकंड टाइम भी किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ी और अल्टीमेटली ही कुड नॉट बी सर्वाइव्ड। सो इस आई मीन जो आज की डेट में बढ़ती हुई स्ट्रेस और आई मीन लाइफस्टाइल है उसमें हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसके लिए ख़ास तौर पे जैसे आई मीन सोडियम रिच डाइट को अवॉइड करना चाहिए, लेट नाइट वॉचिंग अवॉइड करनी चाहिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन अननेसेसरी स्ट्रेस स्ट्रेन चाहे वो बिजनेस का हो चाहे वो काम का हो चाहे वो घर का हो उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को एक बारी ब्लड प्रेशर हो जाता है जैसे कि एलोपैथी में कहा जाता है कि अगर उसकी एक बारी दवा शुरू हो गई तो उसको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि होम्योपैथी में ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़े क्योंकि होम्योपैथी में दवा उसके कारणों के आधार पर दी जाएगी और दी जाती है जहाँ पर कि उसका रीज़न कॉज ऑफ हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जाता है, बेसिक रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है। जबकि मॉडर्न मेडिसिन में हाइपरटेंसिव की मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स शुरू होती है जो कि सिर्फ ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखती है और कुछ अर्से बाद वही दवाई असर करना बंद कर देती है एंड दे हैव टू गो फॉर अ बिगर आई मीन और हायर डोज और इंक्रीज द डोज या दे हैव टू चेंज द सॉल्ट चाहे वो बीटा ब्लॉकर्स हों चाहे वो एसी इनहिबिटर्स हों या उनके साथ अगर उनकी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है किडनीज की इन्वॉल्वमेंट है थायराइड की इन्वॉल्वमेंट है तो उसके साथ एसोसिएटेड मेडिसिन भी दी जाती हैं। जबकि अगर होम्योपैथी में हम उसका इलाज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़े। काफ़ी हद तक हमने आई मीन अपने मरीजों में देखा जिन मरीजों को हाइपरटेंशन की दवाई पहले सूट करती थी अब वो सूट नहीं करती, उनको दवाइयाँ और बढ़ानी पड़ रही हैं या और कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई। ऐसे टाइम पे जिन व्यक्तियों ने होम्योपैथी को अपनाया आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया गया तो उनको वही दवाई जो पुरानी वाली दवाई थी वो असर करना शुरू कर देती है ताकि क्योंकि इनकी जो बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस है वो होम्योपैथी द्वारा इंक्रीज की जाती है और उसके आई मीन जो सेंसिटिविटी है उसको एट पार किया जा सकता है। प्लस उसके साथ होने वाली जो जितनी कॉम्प्लिकेशन है उनको उनसे भी बचा जा सकता है। हमने ये देखा कि जिन आई मीन पेशेंट में ब्लड प्रेशर की अनियमितता रहती है या कंट्रोल नहीं रहता अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता तो उसमें हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम कार्डिक फेलियर की प्रॉब्लम काफ़ी होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, रीनल फेलियर की प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है और किसी लोगों में जो व्यक्ति आई मीन मदिरा पान ज़्यादा करते हैं नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा लेते हैं और जिनमें लिवर अफेक्टेड होता है तो उनमें आई मीन हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं एंड पेशेंट का गो इनटू कोमा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई मीन जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज स्ट्रोक, जिसमें स्ट्रोक में आई मीन की ब्रेन की नसों में आई मीन कोई क्लॉट आ जाए या कुछ उससे आई मीन नसों में ब्लीडिंग हो जाए फट जाए तो उसकी वजह से स्ट्रोक आ जाता है जिसको हम कि ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। इट कुड बी हेमरेजिक और इट कुड बी इस्कीमिक, जबकि वहाँ पे ब्रेन में आई मीन क्लॉट आने से कि जो खून का दौरा वहाँ पे पूरा ब्रेन को नहीं मिलता और एक पक्षघात या जैसे कि पैरालिटिक काइंड ऑफ कंडीशन हो सकती है और स्ट्रोक की फीलिंग उसमें आ सकती है। और स्ट्रोक को हम अगर किसी भी मरीज को हमें देखते हैं कि स्ट्रोक की सिचुएशन है तो कैसे देखें कि वो स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले तो पेशेंट को हम उससे बोले जाए कि उसको अपना नाम बताए या उसका नाम पूछें तो वो अपना नाम पूरी तरह प्रोनाउंस कर सकता है या जीभ बाहर निकालने के लिए करें तो वो ठीक जीभ बाहर निकाल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा बोलने में उसको दिक्कत हो रही है या आई मीन जीभ निकालने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब उसमें इनिशियल प्रॉब्लम है, कहीं पे क्लॉट हो सकता है विच नीड्स अ इमीडिएट अटेंशन और उसको कहा जाए कि सीधे तौर चलो
और लंबी सांस लेके उसे वो हमें चलने के लिए कहा जाए तो हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को इमीडिएट हमें प्रॉब्लम है या नहीं। और अगर ऐसे टाइम पे हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट है, वो अपना आवाज़ पूरा नहीं बता पाता या बोलते वक्त उसका मुंह एक साइड पे हमें खींचता है या हमें टेढ़ापन आता, तो ये इनिशियल सिम्टम है जो कि स्ट्रोक है। ऐसे टाइम पे पेशेंट को इमीडिएटली हमें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनिशियल ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें कि अगर पेशेंट को सही टाइम पे मेडिकल एडवाइस मिल जाए तो उसकी होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पैरालिसिस, कंप्लीट पैरालिसिस, स्ट्रोक और इवन डेथ से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। यहाँ पे मैं अपने मरीजों को बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी के अंदर दोनों चीज़ों के लिए, चाहे तो ब्लड प्रेशर है चाहे वो स्ट्रोक है, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक संभव है और अच्छा होता है। और हमने अपने एक ही ओवीएमएस मेडिकल सेंटर में बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको स्ट्रोक हो चुका था, काफ़ी पुराना स्ट्रोक भी था, वी हैव सीन दैट दे रिवाइव्ड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता और VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, गुड कोलेस्ट्रॉल कम था, और उनके खान पान की उसको लाइफस्टाइल को मैनेज करके प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट देके विद प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों का समावेश के साथ अगर होम्योपैथिक दवाई दी है तो हमने उनको काफ़ी हद तक देखा कि उनको कंप्लीट उपचार हो जाता और वो अपने आप को भला चंगा महसूस कर सकते हैं। आज की बढ़ती हुई तनाव भरी जिंदगी में हम ब्लड प्रेशर का या हो पाना या कह पाना बड़ा कॉमन सा है, परंतु इस कॉमन चीज़ को इतनी कॉमनली नहीं लिया जाना चाहिए कि हम उसको इग्नोर करें या नज़रअंदाज करें, क्योंकि इसकी नज़रअंदाजी या इसको हम कभी कभी हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी कहते और मानते हैं, तो ये एक अगर उस चीज़ के बारे में आपको पता है और उसको आप कोई केयर नहीं करते तो वो इग्नोरेंस नहीं रहेगी, तब वो नेग्लिजेंस कहलाएगी और नेग्लिजेंस के लिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से हर्जाना देना पड़ता है, और वो हर्जाना आपकी शारीरिक अस्वस्थता, कार्डिक प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, स्ट्रोक प्रॉब्लम या इवन डेथ तक का हो सकती है। तो मैं अपने आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपको पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो उसको हल्के में ना लें, आप अपने निकटतम डॉक्टर के पास मिलें, और अगर पॉसिबल हो तो किसी होम्योपैथिक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक को मिलते हैं तो उसके वहाँ पर आपकी पूर्ण रूप से चिकित्सा और हो सकती है और आप पूर्ण रूप से ठीक भी हो सकते हैं। हमारे एक ही ओवीएमएस मेडिकल सेंटर में जिसके हमारी 3 ब्रांचें हैं वहाँ पे वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में और साउथ दिल्ली में, और हम अपने मरीजों को जो दूर दराज बैठे हुए हैं, चाहे स्ट्रोक के पेशेंट भी हैं, उनका ट्रीटमेंट भी भली प्रकार से कर पाते हैं, बिकॉज जैसे हमारे पास गेट ऑनलाइन ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है जो कि हमारी वेबसाइट www.ovms.com के थ्रू होती है, एंड वी हैव ट्रीटेड नंबर ऑफ पेशेंट एंड वी आर ट्रीटिंग नंबर ऑफ पेशेंट सक्सेसफुली फॉर स्ट्रोक एज वेल एज हाइपरटेंशन, एंड इन केस ऑफ एनीवन रिक्वायर्स दे कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद अस। थैंक यू वेरी मच।